मैं जनता का विधायक हूं और जनता के लिए काम करना अपना सौभाग्य समझता हूं। चुनावी रैलियों में मैं जहां भी गया, मुझे महिलाओं, बुजुर्गों, बेटियों ने एक ही समस्या का सबसे ज़्यादा जिक्र किया और वो पेयजल संकट का ही किया। और मैंने भी एक ही वादा किया था, सबसे पहले इसी समस्या का समाधान करूंगा। और इसी कड़ी में हम जनता के साथ आज नोखा दैया के इस परियोजना में मौजूद हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है डिडवाना के नए विधायक, या कहें डिडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने। यूनुस खान ने अपने संबोधन में यह बात कही। खान ने कहा कि पानी पर्याप्त है, लेकिन इसके वितरण और व्यवस्था में आई कमियों को सुधारना ज़रूरी है। आज नोखा दैया के इस नागौर लिफ्ट परियोजन किया पूरी डिडवाना की जनता के साथ निरीक्षण कर उसकी कार्य प्रणाली और वितरण प्रणाली के साथ इसके शुद्धिकरण कार्यविधि को हमने जाना है। यूनुस खान ने कहा कि डिडवाना की जनता को जो गंदा जल अब तक मिला उसका समाधान होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई गंदा पानी यहाँ से नहीं निकलता, बल्कि डिडवाना क्षेत्र में ही सीवरेज लीकेज के कारण ऐसा हुआ है, इसका अब समाधान हो जाएगा। खान ने कहा कि काम करने के लिए जनता ने मुझे चुना है, बस काम कर रहा हूँ। पानी हर प्राणी की सबसे पहली और प्राथमिक आवश्यकता है, इसके समाधान के लिए मैं सरकार के समक्ष पूर्ण रूप से इसको रखूंगा। खान ने नोखा दैया स्थित नहरी परियोजना क्षेत्र का सैकड़ों लोगों के साथ भ्रमण कर वहां के अधिकारियों से स्थिति पर चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वरुण की पूजा अर्चना के साथ उसके बाद पूरे परिसर का परीक्षण किया गया। खान ने यहाँ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पानी हर हाल मिलाकर रहूंगा, इसके लिए हर प्रकार के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग में बैठे कर्मियों को काम करना होगा। खान पूर्व सरकार को यानी कांग्रेस सरकार को इंगित करते हुए कहते हैं कि डिडवाना के मेला मैदान में एकत्रित गंदा जल परियोजना में हुए भ्रष्टाचार का कांग्रेस सरकार को जवाब देना होगा। अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ झांक कर आया हूँ, यकीन रखिए यहाँ व्याप्त पूर्ण गंदगी को निकाल बाहर फेंकूंगा। खान ने कहा कि डिडवाना की जनता ने जो विश्वास जताया है, मैं इसका पूर्ण ख्याल रखूंगा। इस दौरान हनुमान पुनिया, श्रवण विजारणिया, राम नारायण चौधरी, सूरज मेघवाल, अली खान, अमजद एच पठान, अशोक शर्मा, पुरुषोत्तम रोहित सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस खास खबर को हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शाकिर ने डिडवाना से भेजा है और आपके लिए इस खबर को बोल दिए हैं कुणाल गोयल ने 24 अवतार मीडिया के। जिस स्थान पर अपन खड़े हैं ये नोखा दैया है। नोखा दैया में IGNP का पानी का यहाँ स्टोरेज है, जो नागौर जिला जो पुराना जिला है उसमें फेज वन और फेज टू दो फेज में पानी जाता है और इन्हीं दोनों फेज का पानी यहाँ स्टोर हो रखा है। इसमें अभी जो सबसे ज्वलंत जो समस्या है, जितना पानी इन दोनों स्टोरेज में होना चाहिए था वो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार से मांग है कि इन दोनों के अंदर पानी की आपूर्ति पूरी करे, जिससे नागौर जिला जो हमारा पुराना जिला डीडवाना कुचामन नागौर, इन जिलों में पीने का पानी पूरा आ सके। और आज विजिट करने का मतलब 500 लोगों के साथ में यही है कि लोगों को इस बात से अवगत करवाना कि जो पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार थी और जब मैं MLA थे, हमारे अन्य साथी MLA थे, उस समय जो काम किया था वो काम ये लोग अपनी आंख से देखें। और ये जो पीने के पानी के बारे में जो भ्रांति है कि साहब ये पानी आता है गंदा है, पिए नहीं पिए, इससे सिंचाई करें, मतलब जो जो सीवरेज का पानी है उसे लोग सिंचाई नहीं करते, तो ये भ्रांति भी दूर करना और लोगों को इस बात से अवगत करवाना कि हमारा जितना पानी आवश्यकता जितनी है उतना यहाँ मिल। अभी हमारे लगभग 200 MLD में से 127 MLD पानी जा रहा है, तो एक तो पानी की शॉर्टेज है। यहाँ पर जो पानी आना चाहिए प्रतिदिन वो पानी अभी नहीं आ रहा है पीछे से, इसलिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो पानी डिस्पेच करने वाली एजेंसी है उनके चीफ इंजीनियर साहब से हमारा रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ नागौर जिले का दोनों फेज वन और टू के लिए पीने का पानी दें, क्योंकि डीडवाना के अंदर अगर देखें तो 40 MLD की डिमांड है और अभी लगभग 28 MLD पानी आ रहा है, 8 MLD डीडवाना शहर के लिए और लगभग 20 MLD पानी डीडवाना के ग्राम
अपने क्षेत्र के लिए। इसलिए ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये पानी की मांग और आपूर्ति में जो फर्क है उसके कारण हुई है। उसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी रही, क्योंकि अभी जो हमने पता किया, कहीं तो ट्रांसफार्मर खराब है, कहीं मशीनरी खराब है, कहीं बिजली की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके पानी चूंकि पड़ा हुआ है, उस पानी को सिर्फ प्रबंधन ठीक करना है, उसकी आवश्यकता है। तो आज तो खाली 550 लोग देखने आए हैं कि भाई ये हमारा कोई ऐसा धरना प्रदर्शन कुछ नहीं है, अभी तो खाली एक तरीके से ये मतलब पानी को देखने की यात्रा है। और ये अपनी आंखों से देख लिया आप, खुद अपने टीवी से दिखा सकते हो, इसके माध्यम से देखो कितना बड़ा स्टोरेज है जो पानी पड़ा है। तो इसकी आपूर्ति सही हो जाए, यही हमारा निवेदन। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है पानी की उपलब्धता पूरी है, तो कहीं ना कहीं क्या शासन की फेलियर या प्रशासन की स्तर पर इसको कमी माना इसको जा? इसको सारी चीज को स्टडी करके और राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे कि भाई ये पानी प्रॉपरली क्यों नहीं सप्लाई हो पा रहा है, उसकी सब चीजों का अध्ययन करने के बाद एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बना करके और राज्य सरकार को हम हमारे लेवल पर देंगे, जिसे राज्य सरकार जहां भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करके लोगों को नियमित रूप से पानी पिला सके। पूर्ववर्ती सरकार में आप मिनिस्टर रहे, उस दौरान इंदिरा गांधी नहर के सेकंड फेज का भी काम लगभग जो है विधानसभा क्षेत्र डिडोना में होना था, वो काम कहीं न कहीं कतिपय कारणों से जो है अधूरा रहा है। अब जो अधूरे काम पूरे करने के लिए तो हम वापिस आए हैं, जनता आज हमारे साथ खड़ी है, मतलब ये जनता की सरकार है, ये विधायक भी जनता का है, सरकार भी जनता की है, जनता खुद मौके पर मुआयना करके और निर्णय करेगी।